तो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित राय और आशा करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे ठीक होंगे, क्योंकि देश में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, ऐसे में अपने और अपने परिवार की हेल्थ की जिम्मेदारी हमारी ही है। देश में रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के और लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं। सही में देखा जाए तो पैनिक होने की वजह कोरोना वायरस है ही नहीं, पैनिक होने की असली वजह है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ जो ज़्यादा सीरियस है उसे प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे प्रिफरेंस दिया जाता है। इसलिए आपको आए दिन न्यूज में देखने मिल रहा होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के बारे में, 20-20 हज़ार में बेचे जा रहे हैं और जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और किसे कॉन्टेक्ट करें। अब रोज बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है तो बताएं, या रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं अवेलेबल हो सकता है क्या। ऐसे रोज बहुत सारे मैसेज आने लगे हैं मुझे पर्सनली, तो आप सभी को बता दूं कि गवर्नमेंट ने अब बोल दिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अब बस कोविड हॉस्पिटल में ही मिलेगा और वो भी जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट है उन्हें ही दिया जाएगा। और अगर आप फिर भी इंजेक्शन के जुगाड़ में लगे हैं तो वो आपको कोई ना कोई ज़्यादा पैसे लेकर किसी गलत तरीके से दे देगा, और मेरी मानिए तो इन चक्करों में ना पड़े। और रही बात ऑक्सीजन बेड्स की, तो आपको बता दूं कि बहुत से स्टेट्स ने पोर्टल बनाए हैं जहां वो टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली से हैं तो delhifightscorona.in पे जाके चेक कर सकते हैं। यहां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल की बेड अवेलेबिलिटी अपडेट होती रहती है। हॉस्पिटल्स के नंबर भी अवेलेबल हैं जहां आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो dgmhup.gov.in/en/covid-report पे आप जाके विजिट कीजिए। यहाँ से आपको कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं वो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल के नंबर अवेलेबल नहीं है। और अगर आप एमपी से हैं तो sarthak.nhmmp.gov.in पे विजिट करिए, यहाँ आपको हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं वो भी मालूम चलेगा, साथ ही में हॉस्पिटल के नंबर भी अवेलेबल हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो dashboard.covid19.ap.gov.in/ims/hosbed_reports पे विजिट कीजिए, जहां बेड्स की अवेलेबिलिटी और हॉस्पिटल के नंबर दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो wbhealth.gov.in पे विजिट करें, यहां पे रोज कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं उसका पीडीएफ अपलोड किया जाता है, जिसे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप covidthane.org पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बेड और हॉस्पिटल के नंबर के बारे में। अगर आप गुरुग्राम से हैं तो covidggn.com पे विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको बेड की अवेलेबिलिटी और हॉस्पिटल के नंबर मिल जाएंगे। अगर आप बेंगलुरु से हैं तो bbmpgov.com/chbms पे विजिट कीजिए। अगर आप पुणे से हैं तो divcommpune.covid.com/ccs-bed-dashboard/hsr पे विजिट करें। अगर आप अहमदाबाद से हैं तो ahna.org.in/covid19.html पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप वडोदरा से हैं तो vmc.gov.in/covid19/vadodara-app/default.aspx पे विजिट करें। अगर आप नासिक से हैं तो covidcbrs.nmc.gov.in पे विजिट करें। अगर आप नागपुर से हैं तो nsscdcl.org/covidbeds/availablehospitals.jsp पे विजिट करें। तो इन सब पोर्टल से आपको किस हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है वो पता चल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और जिनके मैसेज या कॉल आ रहे हैं मुझे पर्सनली, मैं जितना पॉसिबल हो रहा है उतना जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप गाइज ये वीडियो किसी जरूरतमंद के लिए काम आए, और गाइज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो प्लीज जिन्हें आपकी जरूरत है उनकी मदद करें। दिन थोड़े बुरे चल रहे हैं और इस बुरे वक्त में लोगों को आपसे मदद की उम्मीद होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा, धन्यवाद।